करने में लगे हुए हैं, वो अपनी सहरी करने के चक्कर में आया। सहरी करने के चक्कर में रोजा रखने के टाइम, अफतारी के टाइम मतलब सॉरी सहरी के टाइम दो अशार और आपने मिस कोई किया है रोजा? नहीं किया ना? नहीं। आप से मैंने कहा था ना, आप इसी साबुन से मुंह धोती है ना तीन टाइम, तो आप गोरी हो गई हैं। तो एक मतलब अजीब चीप हरकतें करते रहते हैं लोग, मुझे तो समझ नहीं आती यार ये क्या मकसद होता है इनका। घबराऊंगा जब तन्हा, हमारे वाला जो फरिश्ता था इधर आ पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, फिट होंगे, फाट होंगे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज एक बार मैं फिर हाजिर थी गया हूँ, टाइम आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, तीन पूरी बज गई है। ये ना सुबह की तीन बज रही है, तो सुबह की तीन बजे हम कर रहे हैं सहरी का अहतमाम। वो देखें बेगम जो है उधर खड़ी है, वो आटा शाटा गूंद रही है। अच्छा क्या क्या आख रही हो? मैं कह रही थी कि आप ना इधर जाएं, बस्ती वालों को भी उठा दें और उधर से कोई दही या साबुन भी लेके आए। अगर कहीं होगा तो कहीं से अगर मिल जाती है तो ले आते हैं सालन। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके हो गया। अगर ना मिला तो फिर क्या करने का इरादा है? अंडे शंडे ले लेने थे। लेट पहुंचे थे ना, तो पहले मुझे याद नहीं आया, फिर जब तक हम इधर पहुंचे तो दुकानें बंद हो गई। चलो बन के देखते हैं जी, अगर किसी के पास कुछ है खाने पीने का। ये क्या हो गया है? क्यों क्यों खुजली का रही हो? ये एलर्जी हो गई है। सारी इधर से इधर ऐसे बहुत सारे पूरे चावल खा लिए ना। चावल खाने से ऐसे होती है बिरयानी। हाँ। तो इसका कोई इलाज नहीं होता? इसका इलाज होता है गोलियां, डॉक्टर से पूछना ना। डॉक्टर से पूछ के फिर जो हमारी डॉक्टर है शाहबानो सिस्टर, वो बताएंगी कि क्या इसका इलाज है। जब भी चावल खाएं, गोश्त खाने से भी होता है? चिकन या दूसरा बड़े वाला? दोनों, जो भी खाएं, गोश्त जो भी खाएं। अच्छा चिकन खाएं, बड़ा गोश्त खाएं। अच्छा जी, चिकन खाएं या बड़ा गोश्त खाएं तो भी हो जाता है। पहले इधर चलते हैं, घुघु भी बज गया है रोजे के लिए उठाने के लिए। रोजा रख लो भाई जान। लेट सी जाते हैं, इधर के तो दरवाजे बंद है। कोई जाग रहा है? अरे दरवाजा तो खोलना। मुखलिस भाई जाग रहे हैं, देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। इधर ये भी हमारे साथ थे, सारे तो थे हमारे साथ ही। उधर समीना अहमद की अफ्तारी पे, आप पता नहीं इधर कुछ होगा कि नहीं। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। वो यार खाने के लिए कोई सालन वगैरह या कोई चीज़ है? नहीं पकाया था। हाँ वही तो मसला है ना,
बच्चे थे खाना उधर मुजद्दीन के पास खाया उन्होंने, हम सारे उधर गए थे। अब पता क्या करने, उठाता हूँ उनको, चले देखना जो भी चीज़ हो ना खाने की, अगर कोई अंडे शंडे या कोई चीज़ ऐसे बनाओ ना फिर देना। मैं कहीं आगे चल के पता करता हूँ ना। अहमद सबा अहमद भी उधर थे, अकरम भाई भाभी उधर थे, मुकरद भाई भाभी उधर थे, मैं और बेगम उधर थे, सिर्फ मोहिउद्दीन और उनकी वाइफ जो है ना वो थे। अम्मी अबू भी रोज़ा रखते हैं ना, उनके लिए हो सकता है कोई चीज़ बनाई हो। इधर से पता कर लिया है, बोलते हैं हम भी तो आपके साथ थे ना। हाँ। तो इधर आगे जाऊं? आगे जाओ। पता करो। चलो देखते हैं जी, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। का व्यू चेक करें, साथ साथ हम चलते भी जाते हैं आगे। इधर दरवाज़ा बंद है ना, वापसी देखेंगे। जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिट फाट? आप सुनाए। मेरा ना एक छोटा सा काम था जी, बता दें। कोई दही या कोई चटनी या कोई सालन या कोई चीज हो, हमारे पास तो कुछ नहीं है। माशाल्लाह वही चिकन। चले फिर मुझे दे दे। चले ये भी है ना, भाई को सालन देते हैं। क्योंकि रात इफ्तारी पे गए थे ना तो किसी ने कुछ भी नहीं बनाया, आपकी हिम्मत है जो आपने बना लिया है। भाई मैं डेली न्यू सालन बनाती हूँ, इसी टाइम डेली 1 बजे उठ जाते हैं, सालन भी ताज़ा बनाते हैं, रोटी भी ताज़ी फिर खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले सही है। दो जी है हम, कटोरी फॉल कर देना। ओके और चिकन से रोला रखेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल हमारे वाला जो फरिश्ता था इधर आ पहुंचा, इधर आ पहुंचा है, उसने हिस्सा आपका मिला लिया है, ये लेने आएंगे और आप लोग सालन ज्यादा बना ले। हाँ जी देखे काफी है। बहुत शुक्रिया, बहुत है, वो ज्यादा भर दिया है, ये गिरता ना जाए, जाते जाते गरम तो नहीं से जाना ना। चले सुकून सुकून से जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आधा घंटा लग जाएगा जाते जाते। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सालन मिल गया, धुएंदार सालन मिल गया। सब लोग आएंगे देखना, किसी के घर कुछ भी नहीं है। और बात है, कोई नहीं, खुजा देंगे फिर भी। गरम गरम सालन मिल गया, गरम गरम
सालन मिल गया। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं चल के घर, फिर आपसे मिलते हैं। पहुंचाया बिस्मिल्लाह करके, शुक्र है। सब्बा ने अभी अभी बनाया था चिकन, गरम भी है, गरम लग गई है हाथ को। बस ऐसे ही मैंने कहा कौन सा इतना सफर है, तो ये था ऐसा ऐसा चल के आया हूँ ना कि वो फुल है ना मुंगरी। चले मैं दरवाजा वाला आऊँ, दरिया इलाही हर दम अगदा तेरा, लोड़ पवे ते सब कुछ मिलदा, रब्बा एहो करम है तेरा। हमारे पौधे उग रहे हैं ये देखें, नीली पीली सोनी सोनी। हमने सोचा था ये सूख चुकी है, हमने ये सोचा था ना कि ये जिसमें लहसुन लगा है ना, हमने कहा ये शायद सूख गई है, लेकिन अब ये अपना रंग दिखा रही है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है कि ये हो रही है। और इसको पानी नहीं मिला था, ये सूख गया था। अब देखें आधा पत्ता सूखा खड़ा है, आधा सब्ज हो गया है। फिर आप रोज पानी देते हैं ना, ये देखें अब न्यू निकालना इसने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसको मैंने बांध दिया है, ये लमकी हुई थी ना इधर, और नींबू भी है। दुआ करें नींबू हमारा ना बहुत जल्द ये उठाए फ्रूट, फिर हम नींबू निचोड़ के खाऊंगा। तो आप भी अगर हमारे साथ नींबू खाना चाहें तो जब ये हो जाए ना व्लॉग में दिखाऊंगा, फिर आपने आ जाना है, ठीक है। इतनी स्पीड से देखें पंखा चल रहा है ना, फिर भी मच्छरों की हिम्मत है। वैसे ये कौन से मच्छर हैं, पता नहीं वैरायटी इनकी कौन सी है, पता नहीं जो इतनी तेज। पहले हालांकि छत वाला पंखा चलाते थे ना, तो एक मच्छर भी नहीं आता था। अब तो इतने ज्यादा, मतलब इतने दिलेर तो हो गए है ना, पंखे से जाते भी नहीं। वो देखें वो फिर रही है, वो देखें ढूंढ रहे हैं कि बच्चे कोई मिले और उनको खाए, और बड़ों को भी इंजेक्शन वगैरह लगाए। ओ भाई मच्छर साहब हम बीमार नहीं हैं, अल्लाह पाक हमें शिफा दे। आप लोग जाओ अपना काम करो, रोज़ा रखो पुत्र, शाबाश। जाओ रोज़े रखो, खाने पीने में लगे हुए हैं, वो अपनी सहरी करने के चक्कर में आए। और जो रोज़ा नहीं रखते वो सुबह आके फिर हमारा खून चूसते हैं। चलें बिस्मिल्लाह जी बैठते हैं, टाइम देखते हैं तो 3:12 हो गए हैं, तो इंशाल्लाह अभी बैठेंगे खाना शाना खाएंगे। ये इधर क्यों खड़ी है शहजादी? अच्छा इसको इधर रख देते हैं ना। रहमत दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा। मैं जब ऐसे सुनाता हूँ तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, बोलते हैं बिरादर वेरी नाइस ब्यूटीफुल, योर वॉइस इज द अमेजिंग।
आज ना आज कोई अशार पढ़ता हूँ। ये रमजान में ना बस मुझे यही काम है, सुबह रोजा रखने के टाइम, अफ्तारी के टाइम मतलब सहरी के टाइम दो अशार, और अफ्तारी के वक्त सॉरी करता हूँ सर, थके हुए होते हैं ना इसलिए ज़रा वो क्या हिम्मत नहीं बांधी ही जाती, क्योंकि टाइम जब होता है ना तो थोड़ा सा टाइम होता है फिर भी लोग बना लेते हैं, फिर बस आपको क्या दिखाएं। पहले ना हम भी लोग नहीं बनाते थे, और ना ही सुबह वाला सहरी वाला ना ही अफ्तारी वाला तो बना लेते थे, सहरी वाला नहीं बनाते थे। लेकिन इतनी लोगों ने ना मनते काट काट के ना गाली काट काट के ना हमें मजबूर कर दिया है, अब हमारा कैमरा ऑन रहता है। मतलब ये है कि अगर हम व्लॉग ना बनाएं तो इसका क्या मतलब है, हम उठते ही नहीं हैं, अपने ही अंदाजे लोग लगाते रहते हैं। हाँ। है कि नहीं ऐसा ही? अच्छा आपने आप बताएं कि आज कितना रोज़ा हम रख रहे हैं? आज हम 12वां रोज़ा रख रहे हैं ना, और आपने मिस कोई किया है रोज़ा? नहीं किया ना, तो पहले जो हमने व्लॉग नहीं बनाया इसका क्या मतलब वो मिस हो गए? ये ना बहुत ही ये अच्छी बात नहीं है, बहुत 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 गलत बात होती है कि इन चीज़ों के लिए भी बंदा ना। अच्छा मुझे एक बात की समझ नहीं आई, और साबुन से ना मैंने कहा था साबुन से ना तीन टाइम जो है मुंह धोना, दो टाइम सुबह शाम या तीन टाइम बोला होगा शायद, मुझे याद नहीं। आपसे मैंने कहा था ना आप इसी साबुन से मुंह धोती हैं ना तीन टाइम, तो आप गोरी हो गई हैं। तो एक सिस्टर नेम तो सिस्टर वाला था, तो उसने कहा कि पांच बार मुंह धोया जाता है तो क्या साहिबा नमाज नहीं पढ़ती? तो मैंने कहा पांच बार नमाज पढ़ी जाती है तो पांचों बार साबुन से थोड़ी ना मुंह धोया जाता है। अब देखें ना असर के टाइम हम वजू बनाते हैं ना, तो वही वजू रह जाता है और ऊपर से मगरिब हो जाता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें फिर बंदा ऐसे ही मुंह धो लेता है ना, मतलब वजू बना लेता है, उसमें साबुन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब अजीब हरकतें करते रहते हैं लोग, मुझे तो समझ नहीं आती यार ये क्या मकसद होता है इनका। चलें कोई नहीं, हम अपना माइंड ख़राब नहीं करता, क्योंकि मैं जो है ना अब सुनाऊंगा दो अशार, ठीक है? आपने रहना है हमारे साथ, अभी मैं सोच लूँ कौन से सुनाने हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने
आ जाना रसूल अल्लाह, ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नजा आए दीदार अता करना। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलें जी, व्लॉग भी खत्म हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।